भाई ये मुझे पता आपके दिमाग में क्या आ रहा होगा कि भाई ऐसा चल गया और यूं सोच रहे हो कि भाई के पैर में पता नहीं क्या होगा। पूरी कहानी इसी के ऊपर आज स्पेशल वीडियो मैंने इसलिए बनाई है जिससे आपको पता चल जाए। बहुत सारे कमेंट भी आते रहा पूछते रहे भाई के पैर में क्या होगा क्या होगा। सभी भाइयों को नमस्कार, राम राम, सलाम अलैकुम, सत श्री अकाल जी, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। और भाई वीडियो में लास्ट तक बने रहो, वीडियो थोड़ी लंबी हो सके लेकिन आज की जो स्टोरी ना बहुत अहम है क्योंकि एक छोटी सी गलती आपकी पूरी जिंदगी तबाह कर सके या पूरी जिंदगी बदल सके। और वो जो खुशियां हो ना एक, वो पूरी जिंदगी भर या दुख में बदल जाए, मतलब आप सोच सको। चलो मेरे दादी जी आ गई, वो खुद ही बताओगे आपको कि मेरे साथ क्या हुआ था बचपन में और क्या नहीं। आयो दादी जी, तो दादी जी बताओ मतलब जब मैं छोटा था पैर में क्या हुआ था मेरे? तेरे पैर में कुछ नहीं हुआ, तेरे पैर में कांदा लगा रखा था, तेरा सुना लगा गया। अच्छा, और सुई में तेरी नस बिंदी हुई और दो फेरी में जब बलावन गई डॉक्टर, वो भाई उन्होंने बता दिया इसके पाँव के लिए फला रहा। अच्छा अच्छा, और फिर उन्होंने कहा इसके पाँव में गुदगुदी से ठाई उन्होंने, और भाई वहाँ बिठाई हमने जीप भी चला पाँव, और भाई फिर भाई उन्होंने खत्म कर दिया काम, जीप पाँव बैठ गया, नस बिंदी हुई छोटा ही था, बस इन्हों को धर लगा रखा था इसके पापा ने इन्हों, और बैठा कर जब नारायण सुबह पैसे से बड़ा सुबह तो बड़ा अब इन्हों घुसा लमटे कर बस दिल के पास आ गया। अच्छा, मतलब जब मैं छोटा था, छोटा था तो 5-6 साल का था, बुखार हो रहा था। हाँ, बुखार हो रहा था। तो मुझे न भी पता, मतलब न भी तो बताओ जो सुहा लगा लैटरिन निकल गई थी मैं। हाँ, टट्टी निकल गई थी। अच्छा जी, और तो भाई ये मुझे तो पता नहीं है, मतलब छोटा था मैं, बहुत छोटा था, छोटा था डेरी। हाँ, क्योंकि मुझे तो होश नहीं है, अब दादी बता रही लेकिन घर वाले बताओ उसी के हिसाब से मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा मेरे साथ क्या हुआ क्या नहीं। उसने इंजेक्शन लगा दिया मेरे, जब मैं घर आ गया तो मैं एक पानी टेक रहा था, अच्छा टिकता नहीं बिल्कुल, बिल्कुल नहीं टिकता। तो फिर माँ ने बताया कि इसे देखिए क्या होगा, मालिश करी है, मालिश भी करी है, ऑपरेशन भी करवाया। वो तो ऑपरेशन करवाया, मालिश करी, फिर भी कुछ फर्क नहीं पड़ा, कोई नहीं पड़ा भाई, रिजल्ट बिल्कुल जीरो था। हाँ। मतलब यही है, जो गांव में झोला छाप डॉक्टर हो ना उनसे बचो। मतलब यह वीडियो यू नहीं है कि मतलब मैं अपने फायदे के लिए बना रहा है या कुछ है, मतलब मैं आपको एक जानकारी दे रहा, गांव में डॉक्टर हो ना या झोला छाप बिना डिग्री के, तो ऐसे डॉक्टर तो बचो भाई। आप कमाई कर रहे, जो कमाई हो रही वह आपके लिए है, किसी और के लिए नहीं। अगर आप अपने शरीर का नहीं ध्यान रख सकते तो उस कमाई का कुछ फायदा नहीं है। तो ये जो गांव में डॉक्टर हो उसकी बजाय आप अच्छे डॉक्टर को दिखाओ, अपना इलाज ढंग से कराओ बढ़िया जगह। तो जब मैं 5-6 साल का था, छोटा था, छोटा था, मतलब मुझे कुछ नहीं पता, होश नहीं आया, मैं तो ध्यान ही नहीं आया 5-6 साल का बच्चा कितना हो। तो डॉक्टर ने एक मेरा मतलब ऐसा था कि मैं टेकू था नहीं उसे, तो बस वही है डॉक्टर की एक छोटी सी गलती, और भाई जिंदगी भर यही है फिर, मतलब दुख है, मैं किसी को बता नहीं सकता, मतलब दुख तो दुख हो भाई, तो दुख ही है। किसी के आगे कह जाके इस वजह से यूं समझ लो आप, जो जॉब है ना जॉब, उसके 50% जो स्कोप है बिल्कुल खत्म है मेरे लिए भाई। पुलिस आर्मी होगी इन मन जा सकता मैं। आमिर भाई ने रात मेरे से क्या पूछा था कि भाई आप यूं बताओ पुलिस की तैयारी कर लो, आपका तो शरीर सही है। उसे पता नहीं मतलब ऐसे मेरे साथ हो रखा, उसे पता नहीं भाई को। तो मैंने कहा कोई बात नहीं भाई, तैयारी चल रही है अपनी। तो भाई मेरा नाम मनोज कुमार, और भाई गांव सोहलपुर सिकरोड्डा हरिद्वार जिले में रहता हूँ मैं। और भाई खेती बाड़ी मारा है नहीं बिल्कुल भी, जरा सी भी नहीं आया, एक दो बिस्से भी नहीं आया, कुछ नहीं आया। तो बस अपना काम है वैसा ही, यूट्यूब पर अपना चैनल है भाई यूटा की फैंस के नाम से। बस यही है, मैंने सोचा भाई कमेंट करो जहाँ बहुत सारे कि भाई अपने बारे में वीडियो बनाओ, तो मैंने सोचा कि एक वीडियो बना लूँ, उसमें पूरी जानकारी पता लग जाएगी आपको मैं कहाँ रहता हूँ। तो सोलपुर सिकरोड्डा गांव है रुड़की के पास हरिद्वार जिले में, कभी आना हो आइयो, आपका हमेशा वेलकम है भाई। और भाई ये गवर्नमेंट जॉब की बात नहीं है, प्राइवेट जॉब में भी अगर कोई विकलांग है जिसका हाथ पैर खराब है उसे नहीं लेते। आप अपने हरिद्वार में हीरो कंपनी होगी, सुना होगा नाम, उस हीरो कंपनी में अगर कोई विकलांग है कोई, उसे हीरो कंपनी में नहीं लेते, मना कर दे। अब देख लो प्राइवेट सेक्टर में भी एक तरीके से 50% के 100% इसकी जो स्कोप है वो खत्म है, बिल्कुल जीरो हो जा। तो मतलब वो या तो डोज ही खतरनाक होगी बड़े आदमी की, हो सके वो डोज जो इंजेक्शन लगाता है जिस वजह से पैर खराब हुआ, या फिर गलत नस में लग गया होगा इंजेक्शन, मतलब उसका मुझे पता नहीं है क्या हुआ होगा।
ये हमारा दुख तो उस हिसाब से देखा होगा कितने लोग मतलब कितने दुखी हैं, इतना सा दुख है उसके आगे। मतलब दुख क्या, मतलब उसे दुख मानता ही नहीं क्योंकि वो आदत हो चुकी है। दुख उसे महसूस होगा, देख मैं बचपन से देखता रहा उस चीज़ को, मुझे महसूस नहीं होता। दुख उसे महसूस होगा जब वो बड़ा हो गया, अगर उसके साथ हादसा ऐसा हो जाए तो उसे दुख महसूस होगा। जो बचपन से देखता रहा उसे क्या दुख होगा, उसे तो पता ही नहीं है यार क्या है क्या नहीं, उसे तो आदत पड़ी हुई इस चीज़ की। और भाई दुनिया में इतने दुख है, जो देखा नहीं बस वही बहुत है, और जो देख लिया वो भी बहुत है। ऐसा नहीं है कि मतलब कहीं मैंने दिखाया नहीं किसी डॉक्टर को, घर वालों ने भी मतलब बहुत दिखाया। और मतलब मैं मध्य प्रदेश गया था जब तो मैं 12-13 साल का था लगभग, वहाँ मेरा ऑपरेशन हुआ। मतलब 2-3 दिन लगे थे वहाँ ऑपरेशन हुआ। फिर पहले तो इस पैर की नस भी नहीं चली थी, खैर नस चलने लगी लेकिन इस पैर में इतनी ताकत नहीं है। और भाई मैं जो 12th करी हूँ मैंने जवाहर नवोदय विद्यालय से करी, उसके बाद मैंने ग्रेजुएशन करी, फिर मैंने बीएड करी। 2017 में मेरी बीएड कंप्लीट हो गई थी और फिलहाल मैं एमए ज्योग्राफी से कर रहा हूँ। और भाई और बच्चों को पढ़ाता हूँ बस, जो पार्ट टाइम जॉब है। मतलब इंग्लिश मीडियम के बच्चे आओ मेरे पास क्योंकि इंग्लिश मीडियम से ही पढ़ा हुआ मैं। और भाई ये ट्रैक्टर अपना इससे पहले 241 था जो यूट्यूब पर गबरू के नाम से फेमस है, बस इंट अंटे भट्टे पर ही लग रहा है अभी ट्रैक्टर अपना। मजदूरी है वो क्योंकि भाई हम खुद ही इंटे चढ़ा हुए हैं, खुद ही भरे हैं, बस मजदूरी पड़े है उसमें और कुछ नहीं है। गात मेहनत ज़्यादा है क्योंकि जो भाई भट्टे पर काम करते हुए ना पता कितना जोर पड़ा है काम करते हो। और भाई जब यूट्यूब पर कोई कमेंट करे मेरा भर मतलब यही रहेगी, मतलब सबका जवाब दूँ। वैसे मैं सबका जवाब दूँ, अगर कोई भाई छूट जा तो भाई सॉरी, लेकिन मैं अधिकतर सबका जवाब दूँ। और आगे से मैं ये भी सोच रहा कि जैसे एक सप्ताह में जितने भी बढ़िया बढ़िया कमेंट आएंगे, बढ़िया बढ़िया कमेंट किया करो, तो मैं सोच रहा कि उन कमेंट को इकट्ठे करके एक स्पेशल वीडियो बनाऊँ और उनका जवाब वहीं दूँ, समझ रहे हो ना। वैसे जो मेन कमेंट होगा उसका जवाब मैं वहाँ भी दूंगा, एक वीडियो स्पेशल निकलना करूँगा एक सप्ताह में। अगर आप भी मतलब कि यूट्यूब पर अपना चैनल खोलना चाहते हो, सुमित भाई है एक भाई उड़ीसा से, मैं फ़ोन करता रहा पूछता रहा, एक नौमान भाई है, आमिर भाई है, इन्हें सबको मैंने बोला कि भाई एकदम सब। और एक कपिल भाई है अपने पास में ही गाँव के पास में माजरा है वहाँ पर, मैंने उन्हें बोला कि भाई आप अगर यूट्यूब पाना चाहते हो बिल्कुल हेल्प करूँगा। तो एक और है 11th क्लास का छोटा भाई है अपना इधर रुड़की के पास में, मतलब मैं शुरू में यूँ नहीं देखता कि एकदम यू आता ही नहीं मैंने कि भाई किसी से बात करनी या नहीं, भाई हेल्प करने के लिए। और मैं यूट्यूब पर सिर्फ एक अपना परिवार बनाना चाहता हूँ भाई। मायने नहीं रखता आपके हाथ पैर में ताकत है या नहीं, अगर ताकत यहाँ है ना तो आप कुछ भी हासिल कर सकते हो। मतलब जरूरी नहीं आपका हाथ खराब पैर खराब, उस वो ताकत कुछ नहीं है, अगर ताकत यहाँ है तो कुछ भी पा सको, कोई सी मंजिल। तो भाई जिंदगी में अगर कुछ पाना है ना तो तरीके बदलो, इरादे नहीं, इरादे नेक रहने चाहिए, हर चीज़ मिल सके, हर चीज़ मुमकिन है भाई जिंदगी में। चाहे कितनी भी मुश्किल आ जाए, कितनी भी, इतना खुश रहो, इतना खुश करो, खुश रहो कि दुनिया वाले जानने लगे कि यार इसे किस खुशी का गुमान है। तो वही है, मतलब उसने इंजेक्शन लगा दिया गलत, पता नहीं उसका भुगतना पड़ेगा पूरी जिंदगी। जो हमारे साथ हो गया वो हो गया, जो दुख हमें पता मतलब बयान नहीं कर सकते इस चीज़ को, पर मुझे महसूस ही नहीं होता इस चीज़ का, मतलब कोई गम भी नहीं। अब जो हो गया हो गया, पर और किसी के साथ ना हो, ये वीडियो स्पेशल इसलिए बनाई, मेरे साथ हो गया कोई नहीं, और किसी के साथ ना हो। जितने मेरे भाई है यूट्यूब पर से वीडियो को फैलाओ, अब वीडियो अच्छी लगे लाइक करो, ना अच्छी लगे डिसलाइक करो, सब्सक्राइब मर्जी है भाई, करो या ना करो।